ये हमारे स्टूडेंट हैं, भाई भी हैं, तो आप इनको ऑर्डर कंप्लीट होने की खुशी में पहले तो स्वीट खाएं ना। सर मेरा $35 का जो है ये ऑर्डर लगा हुआ है और इंशाल्लाह आई होप डे बाय डे $15 है आपका जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ। जो मेरी इनकम है वो 4 से 5 लाख है। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना भाई है, मेरी अपनी खाला की बेटी हैं जिन्होंने मेरे से ही सीखे हैं, और तकरीबन अब उससे भी तकरीबन 1.5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे ही क्लाइंट्स का काम कर रही है। सिर्फ इसमें यह है कि मेहनत और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, और फीमेल्स के लिए तो ये मैं कहती हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो वो घर बैठ के इजीली कर सकते हैं, ना काम को सीखने के लिए और ना ही करने के लिए घर से बाहर जाना जरूरी नहीं है। जो लड़के होते हैं ना वो थोड़े लापरवाह से होते हैं, जो लड़कियाँ आती हैं वो मेहनती होती हैं, और इसमें ये होता है कि फिर आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो लड़के एक जगह पर ना टिक के बैठ के काम नहीं कर सकते। लड़कियां जो है वो भाई वो कर सकती हैं, उन्हें 8-10-12 घंटे बैठ के काम करना पड़ेगा ना, वो कर सकती हैं। जो गोरे क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के हैं, चाइना के हैं, यूके के हैं, और अभी जो करंट क्लाइंट है मेरा ऑस्ट्रेलिया का है, वो तकरीबन 6 मास मेरे साथ काम कर रहा है, और वो मुझे कंटेंट पे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एवरी 3 डेज जो है वो मेरा $120-150 जो है रैंडम मैंने देखा, तो मेरा जो है ना वो ऑर्डर एक्टिव हुआ था, मैंने देखा वो, मैं लिटरली इधर बैठे बैठे मैं ना इतनी एक्साइटेड होगी कि मेरा जो है ना ऑर्डर एक्टिव हो गया। ये देखिए अभी 3:54 PM पे मैंने इसको कस्टम ऑफर भेजी है, और अभी जो है ना उन्होंने वो ना मेरी जो ऑफर है वो एक्सेप्ट की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। तो जरा तारुफ करवाएं, आप कहाँ से हैं, क्या कर रही हैं? मेरा नाम जुबी है और मैंने एमफिल किया है फूड साइंसेस में, और बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन कंटेंट राइटर हूँ, और मैं सर्विसेज दे रही हूँ कंटेंट राइटिंग की डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कंटेंट राइटिंग अगर सिंपलीफाई करना चाहूँ तो क्या कहेंगे इसे, ये क्या काम है आम लोगों को समझाने के लिए? कंटेंट राइटिंग मींस के कोई भी चीज है जिसके बारे में हम लिख सकते हैं उसको हम कंटेंट बोलते हैं। कोई भी एक कीवर्ड है, सपोज ये फोन है मेरे पास, तो अगर इसके बारे में मैं लिखूंगी तो वो मेरा कंटेंट होगा। आप बता रही हैं फूड साइंसेज आपकी स्टडी है, और ये इंटरनेट की अर्निंग और ये राइटिंग, मतलब ये बिल्कुल आपके स्टडी का अल्टरनेटिव है, तो क्या कैसे ये शुरू किया आपने? मैंने बेसिकली PhD में ना अप्लाई किया था, एडमिशन भी लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं PhD कर भी लेती हूँ तो मुझे जो जॉब है वो कितनी मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 50-60 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। तो वो कोविड डेज थे, तब जो था वो यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंडिंग में था कि एक स्किल आई है न्यू, मतलब ना बड़ा वो चला था यूट्यूब पे ट्रेंड इस चीज का कि एक स्किल है, अगर आप वो सीखते हैं तो आप जो डॉलर्स कमाते हैं। तो ऐसे रैंडम मैंने ना ये स्क्रॉल करते करते देखा कंटेंट राइटिंग का, बस वहां से फिर मैंने ये शुरू किया, फिर प्रैक्टिस किया, मुझे करते करते तकरीबन 2 साल। सीखा कहाँ से है, मतलब शुरू कहाँ से हुआ था, सीखा कैसे ये काम? मैंने यूट्यूब से वैसे बेसिकली वीडियोस देख के स्टार्ट किया था, और फिर ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर मैंने लोकल मार्केट में काम किया, फिर उसके बाद मैं फाइवर पे आ गई, अपलोड पे, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम कर रही हूं। ये काम को अगर देखा जाए करने के लिहाज से ये कितना मुश्किल और कितना आसान है आपके लिए, आप माशाल्लाह एक एजुकेटेड हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू यू को आम बंदा है, को मैट्रिक जिसने किया हुआ है, या वो बंदा जो ज्यादा इंग्लिश की सूझबूझ नहीं रखता, तो क्या सोचती हैं ये काम करने के लिहाज से कितना मुश्किल या आसान है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, बस मेहनत करनी चाहिए आपको, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप हर चीज सीख सकते हैं। मेरा ये था कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तो मेरा तब रिसेंटली MPhil कम्प्लीट हुआ था, मैंने तब अपना रिसर्च वर्क किया था, थीसिस लिखा था, तो मुझे ये था कि ग्रिप थी मुझे तब राइटिंग पे, मैंने अपना सारा काम खुद किया था, तो बस फिर जो मैंने देखा तो मेरा फिर इंटरेस्ट भी बिल्ड हो गया इसमें। बाकी ये था कि प्रैक्टिस से इंसान को हर चीज आती है, इवन डेट अभी मुझे 2 से 2.5 साल हो गए काम करते हुए, अभी भी गलतियां हो जाती हैं। ये है कि कुछ क्लाइंट होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर ये है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है ना वो कंपलसरी है, बाकी उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप काम करो तो आपको अच्छा पे करते हैं, टिप भी देते हैं। अच्छा मुझे आपसे ना सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि आपके मुंह से निकले हुए चंद अल्फाज या आपसे जानी हुई कुछ चीजें जो दूसरों के काम आ जाएं, कोई हमारी दूसरी बहन या कोई भाई या कोई स्टूडेंट जो परेशान है इस चीज से कि ना उनको जॉब्स मिल रही हैं, डिग्रीज भी हैं उनके पास, तो आप ना हमें थोड़ा सा समझाएं कि ये अगर कोई दोस्त सीखना चाहे आपसे या वैसे तो क्या तरीका कार होगा, सीखते कैसे हैं लोग? उसके लिए निशानदेही ये है कि अगर कोई मेरे से सीखना चाहता है तो यहाँ पर साहिवाल में एकेडमी है, फ्री टाउन में ग्रोमोर एकेडमी, तो यहाँ पर फिजिकल क्लासेस भी होती हैं, यहाँ पर फिजिकली भी आप मुझसे सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन सीखना चाहता है तो वो ऑनलाइन जूम पर भी सीख सकता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्स, बेसिक कोर्स जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आपके प्लेटफॉर्म पे ये मौजूद है सारा कुछ? हाँ जी, फखर नजीर के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जो है वो प्ले लिस्ट में जो है वो कोर्स अवेलेबल है, लेकिन वो ये है कि वो बेसिक कोर्स है, अगर एडवांस लेवल पे कोई करना चाहता है तो वो यहाँ पर, गोरे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना चाह रहा है तो वो फिर
बिल्कुल उसको बेहतर है वो फिजिकली या जूम पे। अच्छा आप अगर ये काम किसी को सिखा रही हैं तो उससे मतलब चार्ज भी कर रही होंगी, यहाँ पे वो आता भी होगा, तो ये डिटेल्स क्या हैं, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो रहते कहाँ पे हैं, उनसे चार्ज क्या किया जाता है, क्या होस्टलाइज भी यहाँ पे होते हैं मतलब दूसरे शहर से जो आए, तो ये सारी डिटेल दे जो चार्जेस है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, 10,000 फीस है और उसके अलावा हॉस्टल हाँ जी है अवेलेबल, फीमेल्स के लिए भी है बॉयज के लिए भी है। अब तो दौर आ गया है एआई का, मतलब हर चीज ऑटोमेटेड है और आप कह रही हैं कि आज भी टाइपिंग, लोग कह रहे हैं कि जी एआई खुद ही सारा कुछ लिख देता है, आप उसको एक टॉपिक दे दें, तो ये क्या अब किस तरह ये आप इसका करेंगे कवर? निशान भाई एआई जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो इंसानी दिमाग से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, और इसके अलावा जो एआई कंटेंट है वो गूगल रैंक भी नहीं करता। अगर आप टोटली एआई कंटेंट उठा के अपलोड करेंगे ना, पहली बात तो ये कि वो गूगल उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उसको उसके लिए ये है कि फिर उसको जो है ना वो हम ऑप्टिमाइज करते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करके जो है वो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, और जो ह्यूमन टच है ना वो देना बहुत कंपलसरी है। मतलब आपने लिख लिया एआई से, नो डाउट आपको एआई ने हेल्प किया, आपका जो टाइम है वो मिनिमाइज हो गया, टाइम कम लगा आपको उस चीज पे, लेकिन उसके बाद पूरा आपको प्रूफ रीड करके उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर हमने करना होता है वो हम खुद ही कर सकते हैं, और वो अगर हमें आता होगा तो हम कर सकते हैं, वैसे एआई पे हम नहीं डिपेंड कर सकते। ओके ओके बेहतरीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब किसी की नियत हो सीखने की या काम करने की, टाइम कितना दरकार होता है ये, मतलब आपसे ही कुछ सीखना चाहे तो कितना टाइम है वो इस काबिल हो जाएगा कि कुछ ना कुछ उसकी अर्निंग शुरू हो जाएगी? ये एक माह का कोर्स है, अगर वो मेरे से सीखना चाहता है फिजिकली तो वो यहाँ पर आके सीख सकता है, और एक माह में जो है वो प्रॉपर जो है वो ट्रेन हो जाएगा, जो भी अगर कोई कंटेंट राइटिंग सीखना चाहता है वो कर सकता है, और उसके बाद एक माह करने के बाद फिर ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए, उसके बाद जैसे जैसे आप फील्ड में आएंगे आप प्रैक्टिकली काम करेंगे, डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं सबकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो जैसे जैसे आप डिफरेंट चीजों से गो थ्रू होंगे ना वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत होती है। मतलब एक माह में आप उसे इस काबिल बना देंगे कि वो किसी को डील कर सकेगा, डील कर सकेगा, लिख सकेगा। हाँ जी बिल्कुल। चले बेहतरीन हो गया। आखिर पे मुझे ये बता दें कि इस काम में या इस स्किल से आपने मैक्सिमम क्या कमाया है, और जो बंदे कमाना चाहेंगे वो मैक्सिमम कितना कमा सकेंगे? मेरी इनकम है वो 4-5 लाख है, इससे ज्यादा भी हो जाती है, इससे कम भी हो जाती है, मतलब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है, कभी कम कभी थोड़ी ज्यादा, और अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ और इंडिपेंडेंट हूँ और अपनी सारी डिजायर्स हैं वो खुद फुलफिल कर सकती हूँ। चले बेहतरीन हो गया। आखिर पे हमारी खवातीन को पैगाम देना चाहें जो आज भी सोचती हैं कि शायद ये सिर्फ एक बातों की हद तक है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? वो इन चीजों को एग्री नहीं करती कि ऐसा भी पॉसिबल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो बिल्कुल कर सकती हैं, और वो बच्चियां जिनको अपने घर से परमिशन नहीं मिलती जॉब के लिए वो भी अपने घर बैठ के सीख सकती हैं। सिर्फ इसमें यह है कि मेहनत और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप हार्डवर्क के साथ जो है ना वो काम करेंगी और कॉन्स्टेंटली करेंगी तो इनशाला आप जरूर सक्सेसफुल हो सकती हैं, और फीमेल्स के लिए तो ये मैं कहती हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठ के इजीली कर सकती है। अच्छा, एज कम्पेयर टू मेल्स, मर्दों और खवातीन की बात की जाए तो दोनों में आप क्या समझती हैं इस कंटेंट राइटिंग को सब्र के साथ या कामयाबी के साथ कौन बेहतर कर सकता है? फीमेल्स, डेफिनेटली फीमेल्स कर सकती हैं, क्योंकि वैसे भी देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती है ना वो ज्यादा जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ और लगन के साथ काम करती हैं। हाँ जी, एज कम्पेयर टू बॉयज, जो लड़के होते हैं ना वो थोड़े लापरवाह से होते हैं, जो लड़कियां आती हैं वो मेहनती होती हैं, और इसमें ये होता है कि फिर आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो लड़के एक जगह पर ना टिक के बैठ के काम नहीं कर सकते, लड़कियां जो है वो भाई वो कर सकती हैं, 8-10-12 घंटे बैठ के काम करना पड़ेगा ना वो कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, उन्हें होता है कि बस वो चलने फिरने वाला घूमने फिरने वाला काम हो, हम तो बस वो करेंगे। अच्छा, एक मैं शायद किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि आप बजाते खुद कितने पानी में हैं, आपने किन किन लोगों को सिखाया है, या आपके घर में कौन कौन है जो आपकी बातों से एग्री करता है और इंटरनेट से पैसे कमाता है? वेरी फ्रैंकली मैं ये भी जानना चाहूंगा। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना भाई है, छोटा भाई जो ये काम कर रहा है, और इसके अलावा मेरी अपनी खाला की बेटियां हैं जिन्होंने मेरे से ही सीखे हैं, और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी गई है 4 सेमेस्टर, उनका बीएस केमिस्ट्री कर रही है वो, और फर्स्ट सेमेस्टर था जब उन्होंने स्टार्ट लिया था मेरे साथ, मतलब मैंने तब उन्हें अपने साथ इंगेज किया, और तकरीबन अब उससे भी तकरीबन 1.5 साल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ही क्लाइंट्स का काम कर रही है। इस काम को सीखने और करने के लिए क्या खवातीन घर से बाहर जाना उनके लिए जरूरी है?
ना काम को सीखने के लिए और ना ही करने के लिए घर से बाहर जाना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रोफेशनल लेवल पे आके सीखना चाहता है तो वो एकेडमी में जो टाइम के लिए आएगा सिर्फ वही उनका सीखने के लिए उनको जाना पड़ेगा। हाँ जी, अदरवाइज नहीं, करने के लिए नहीं, वर्किंग वो अपने घर में अपने बेड पे बैठ के आराम से कर सकते। मतलब जो लोग जॉब भी नहीं कर सकते, जिनको जॉब पे ऑब्जेक्शन आता है, वो भी फीमेल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। और इसमें ये भी नहीं है कि कोई एडवांस लेवल की कोई हाईफाई इंग्लिश चाहिए। AI आ गया, आपको पता है AI ने बहुत जो है ना काम सिंपलीफाई कर दिया। आप AI की हेल्प से जो है वो काम कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि टोटली आप AI पे डिपेंड करें। उसमें ये है कि बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी पड़ती हैं वो फिर जब आप सीखेंगे, जो भी लोग करना चाहते हैं, तो फिर उनको वो सारी चीजें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, फिर उसको यूटिलाइज करते हुए काम कर सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा कि आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, अगर कोई हमारी बहन ने मैट्रिक किया हुआ है या मैट्रिक भी नहीं किया हुआ लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ बूझ है, तो क्या वो ये काम कर सकती है? अगर कर सकती है तो वो उसकी किस तरह से काम को कवर करेगी? जीशान भाई, ये बच्चों की लर्निंग पावर पे भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जो है ना वो चीजों को पिक करते हैं। अब कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, इवन डैड के वो 5th या 6th ग्रेड में भी हैं तो उनकी इंग्लिश अच्छी है। अब कुछ बच्चों की जो इंग्लिश वो उतनी अच्छी नहीं होती, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है, उनकी इंग्लिश स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। और मिनिमम मैट्रिक तो होना चाहिए एटलीस्ट, अगर कोई करना चाहता है ना, मिनिमम मैट्रिक तो होना मतलब इंग्लिश मेन चीज है इस बिजनेस को करने के लिए। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ हो गया, बिल्कुल, तो बाकी आप गूगल से इसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये है ना कि फिर अगर आप AI से भी हेल्प लेते हैं ना, उसके बाद चीजों को देखना पड़ता है कि क्या उस चीज की सेंस बन भी रही है, नहीं बन रही, क्या जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं है। हम जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे उस काम से, तो हम क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे।